कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मोदी सरकार को नसीहत, बोले ध्यान भटकाने से नहीं बल्कि खर्च बढ़ाने और गरीबों के हाथ में पैसा देने से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। राहुल ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बढ़ाई सक्रियता, आजाद, मोइली और सिब्बल में कोई भी पराया नहीं, सब मिलकर करेंगे काम, पार्टी के आंतरिक संगठन को ठीक करने की भी होगी पहल। राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी ने किया मंथन, दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम में हुई पहली बैठक। बैठक में कमेटी के सदस्य अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन रहे मौजूद। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट तेज, रघुवंश प्रसाद पर बयान से लालू नाराज, तेज प्रताप को आज मिलने के लिए बुलाया रांची, अपनी विधानसभा सीट भी बदल सकते हैं तेज प्रताप। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग जारी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, कहा जो बाबा साहेब अंबेडकर का करते हैं विरोध वो जाते हैं संघ कार्यालय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कसा तंज, साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इन वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश देने का किया आग्रह। हरियाणा में पहली बार बिना सीएम और स्पीकर के शुरू हुआ विधानसभा सत्र, एक ही दिन में होगी कार्यवाही, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा ब्याज माफी पर 7 दिन में स्थिति साफ करे सरकार, 1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। 8 FIR दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वेंकैया नायडू को लिखा पत्र, कहा विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करें कार्रवाई, भारत में हर व्यक्ति को किसी भी सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने का है संवैधानिक अधिकार। कॉलेज परीक्षाओं पर फिर टला फैसला, फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले कराने के मामले में आज भी नहीं आएगा फैसला, 18 अगस्त को हुई थी आखिरी सुनवाई। सितंबर में ही होंगी जेई नीट की परीक्षाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया साफ। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा, इसलिए सावधानी बरतते हुए परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी हुए कोरोना संक्रमित, गोगोई ने ट्वीट कर दी जानकारी, असम विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर गोगोई पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं यात्रा। चीन की चाल में फंसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाक में खुलेंगे चीनी कंपनियों के दफ्तर, चीनी राजदूत जिंग ने कहा हमारे लिए पाकिस्तान व्यापार का उभरता हब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी भारत ना जाने की सलाह, भारत को पाक सीरिया की श्रेणी में डाला। सस्ते हो सकते हैं टू व्हीलर्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दर घटाने के दिए संकेत, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है फैसला। कोरोना संकट में देश में गई करोड़ों लोगों की नौकरियां, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, लॉकडाउन के दौरान 22% रोजगार में आई कमी। महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करने वाले पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक को पीसीबी ने फटकारा, कहा बोर्ड कर्मचारी होने के नाते यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। मुश्ताक ने अपने यूट्यूब चैनल पर की थी धोनी को फेयरवेल मैच नहीं देने के लिए बीसीसीआई की आलोचना। लियोनल मेसी छोड़ेंगे बार्सिलोना, मेसी ने सबसे बड़ी हार के बाद बार्सिलोना छोड़ने का किया फैसला, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मेसी ने मैनेजमेंट को भेजे दस्तावेज। लॉकडाउन के दौरान बदल गया हितेन तेजवानी के नए शो का टाइटल, हम एक मकान एक दुकान से बदलकर हुआ गुप्ता एंड सन्स, मेकर्स और चैनल ने शो की स्क्रिप्ट में भी किए बदलाव। अगले साल अपनी ऑटोबायोग्राफी लेकर आएंगे अभिनेता सैफ अली खान, बोले बीती यादों की गलियों में जाना होगा बड़ा मजेदार, ये पहली बार होगा जब सैफ अपने निजी जीवन को करेंगे सार्वजनिक।